नमस्कार, यूवीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूवीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। जो देखा सो दिखाया। देखते रहिए यूवीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। ये समाचार दुर्ग जिले के अंतिम छोर में बसे ग्राम पंचायत बेलहारी का है, जहां महिला सरपंच श्रीमती जीतेश्वरी हलदर महामल्ला को सरपंच के रूप में पाकर गांव वालों में खुशी की लहर देखने को मिली, क्योंकि एक पढ़े लिखे महिला सरपंच को पाकर गांव वाले बहुत खुश हैं। गांव में विकास की गंगा को बहते हुए अपनी छाप छोड़ दें। इस सरपंच ने गांव में सभी समाज के लिए भवन की व्यवस्था, यात्रियों के लिए यात्री प्रतीक्षालय, गांव में बीमार व्यक्तियों के लिए अस्पताल की सुविधा, नाली निर्माण, सीसी रोड, इस प्रकार के करोड़ों के कार्य गाँव में किए। इस कारण से गाँव वाले अत्यधिक खुश हैं। इस विकास की गंगा को आगे बढ़ाने के लिए उसके सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे उप सरपंच मनीष चंद्राकर, सचिव कामता पटेल, ग्रामीण अध्यक्ष संतोष सेठ पंच हैं, अमित अग्रवाल, मंजू भारती, सुमित पांडे, दुर्गा प्रजापति, राम सिंह रुकमणी एवं समस्त पंचगढ़ और गांव वासियों की मदद से इस विकास के कार्य को सरपंच ग्राम पंचायत बेलहारी जितेश्वरी हलदर महमल्ला के माध्यम से किया जा रहा है। आप अपन परिचय बताओ। मेरा साहू, ग्राम पंचायत बेलहारी की सरपंच। ये जो आप राजनीति में घुसे के काबर का कारण है जो मैं आप राजनीति मानो पड़ी? मैं राजनीति में ये पाए घुसे हूँ कि गांव के विकास हो सके, वृद्धा मन के पेंशन टाइम में मिल सके, और जेकर घर रहे पर अभी नहीं है ते मल्ला सब आवास मिल सके, और बहुत रहे जैसे कि वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलते हैं, वहाँ बहुत बड़े वृक्षारोपण लगा हन, वहाँ चारा का हम अभी चारा बो हन, अब सब्जी भी बहुत हन। अच्छा, तो कितना समूह एक्टिव हो काम करत है? अभी दो समूह एक्टिव हो काम करत हन, अब एक्टिव को भान में दो समूह है। अच्छा, और आपके पढ़ाई कहाँ तक है? वो दी PBS। तो ये जो विकास के कार्य आपके गांव में जो हो थे, ओकर लिए आप कौन कौन ला धन्यवाद देना चाहते हैं? मैं पूरा समस्त गाँव वासी मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ, और पूरा पंचवाड़ी मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ। सचिव भी है पूरा, यही मन है वे गाँव के विकास के लिए पूरा युवा वर्ग पूरा भिड़े हुए। तो ये जो आपके गाँव में अभी कितना करोड़ के काम स्वीकृत हो रहे हैं? अभी फिलहाल तो तालाब सौंदर्यकरण 50 लाख के फिलहाल हो गए, और अभी मनरेगा के अभी होना है 20 लाख के, 20-20 लाख के, तो अभी चलते हैं काम बहुत सारा। अभी 20 लाख के साहू सदर भवन बने हैं, यही सामुदायिक भवन, और सीसी रोड भी बने हैं, और बहुत सारा काम हो गए हैं, मतलब अभी प्रगति के और है बेलहारी काम। तो आप सरकार से का अपेक्षा रखते हो? सरकार से ही अपेक्षा रखते हैं कि जितना हम काम मांगा था उतना ला समय में दे दें, यही बहुत है भाई, अभी देते हैं भाई, नहीं देते इसे नहीं है, देते सब काम